हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड कैसे हो आप? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ रिव्यू शेयर करने वाली हूँ मेलाब्राइट क्रीम की। मेलाब्राइट नाम से आपको पता चल ही गया होगा कि ये एक स्किन लाइटनिंग एंड वाइटनिंग क्रीम है। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये क्रीम के बेनिफिट, साइड इफेक्ट्स, किस स्किन कंडीशन में इसका यूज़ करना चाहिए, किसको यूज़ नहीं करना चाहिए, ये सब की जानकारी आज की वीडियो में होने वाली है। वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। वीडियो हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल बटन को जरूर हिट कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का अपडेट आपके पास पहुँची रहे। प्राइस मेलाब्राइट क्रीम 15 ग्राम की ट्यूब है, अप्रॉक्स 80 रुपीज़ इसका प्राइस है। ये आपको कोई भी मेडिकल स्टोर में इजीली मिल जाएगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ये क्रीम किस किस स्किन प्रॉब्लम में काम करेगी। तो गाइज, अगर आप हो 1 से 2 टोन तक स्किन को फेयर करना हो, पिगमेंटेशन हो, मेलाज्मा हो, टैनिंग हो गई हो, या फिर अंडर आई डार्क सर्कल हो, या जब हमें पिंपल हो जाते हैं उसका निशान मिटाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, तो ये क्रीम आपके पिंपल को, निशान को भी मिटाएगी। या कोई भी डार्क स्पॉट वगैरह हो, आमतौर पे आजकल जो झाइयाँ, पिगमेंटेशन या मेलाज्मा बहुत ज़्यादा इशू रहता है, ये क्रीम में जो भी इंग्रेडिएंट डाले हुए हैं वो सब इशू से लड़ने में हेल्प करता है। इसमें मेन 3 इंग्रेडिएंट का यूज़ किया गया, एक हाइड्रोक्विनोन है, दूसरा है मोमेटासोन है, तीसरा है टेटिनोन है। हाइड्रोक्विनोन डीप पिगमेंट को रिमूव करने में हेल्प करता है, चेहरे पे ब्लीचिंग का काम करता है, चेहरे को निखारने का काम करता है। मोमेटासोन एक एस्ट्रॉयड है, ये मोस्टली एक्जिमा, सोराइसिस, स्किन इन्फ्लामेशन के ऊपर इसका यूज किया जाता है। टेटिनोन का गुण हम सबको पता ही है, टेटिनोन एक्ने पिंपल के ऊपर ही काम करता है, रिंकल फाइलेंस के ऊपर भी इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स है। गाइज, ऐसे ये क्रीम में केमिकल बेस्ड क्रीम है, ये आपके ऊपर है कि आप इसे कैसे इस्तेमाल करते हो। मेलाब्राइट क्रीम गोरा करने वाली क्रीम है जो स्किन के गंदगी को निकालकर स्किन को ब्लीच कर देती है। ये चेहरे को गोरा ही नहीं, साथ ही इसके दाग धब्बे को, काले निशान को भी जड़ से ख़त्म करने में मदद करती है। रिजल्ट की बात करें तो इसका रिजल्ट आपको 4 से 5 दिनों में दिखने लगेगा, आपको खुद को ही नज़र आने लगेगा, चेहरा पहले से अधिक आकर्षण और गोरा होने लग गया, आपके दाग धब्बे हटना शुरू हो गए हैं। तो गाइस, ये क्रीम को आपको नाइट में यूज़ करना है, दिन में बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। नाइट में से फेस वॉश करने के बाद ये क्रीम को अप्लाई करना है। दिन में सनस्क्रीन मस्ट है, चाहे आप घर पे हो या बाहर हो, सनस्क्रीन आपके चेहरे को सन के हार्मफुल यूवी रेस से प्रोटेक्ट करके रखेगी। ये क्रीम को आपको एज अ फेयरनेस क्रीम की तरह यूज नहीं करना है। अगर आपके चेहरे पे दाग धब्बे की प्रॉब्लम है, मेलाज्मा है, हाइपर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, तो आप ये क्रीम को यूज कर सकते हो। एंड यूज करने से पहले एक बार डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा। ये क्रीम का बेनिफिट्स के साथ साथ कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। अगर आप इसे कंटिन्यू यूज़ करते हो एज अ फेयरनेस क्रीम की तरह, कुछ मॉइस्चराइजर की तरह आप यूज़ करते जाते हो, तो आपकी स्किन सेंसिटिव हो जाती है, आपकी स्किन पतली हो जाती है, और कहीं कहीं के तो फेशियल हेयर आने के भी चांस रहते हैं। इसलिए आपको इसका यूज़ डॉक्टर से कंसल्ट करके यूज़ करना चाहिए, या फिर पैच टेस्ट जरूर ले लीजिएगा, एंड दाग धब्बे होने से ही इसका यूज़ करें। गाइस, यही थी मेरी आज की रिव्यू। आई होप आपको मेरी रिव्यू से कुछ हेल्प मिली हो, मेरी रिव्यू अच्छी लगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फ्रेंड और फैमिली साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।